Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update from Shimaru Filmi Gaane. Gramophone, LP Records, Matinee Show, Balcony. ये है हिंदी सिनेमा के सुनहरे दिनों की कहानी। तो चलिए याद करते हैं उन सितारों को और उनसे जुड़ी कुछ बातों को। बातें कही अनकही। अगर बचपन के दिनों से शुरुआत करें, वो कौन सा गांव था? टाउन का नाम है राहू। हमारे कस्बे का माहौल बहुत अच्छा। म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूल चौथी जमात तक वहाँ पढ़ा और पांचवी क्लास में गवर्नमेंट हाई स्कूल में। म्यूजिक से इंटरेस्ट? घर का माहौल जो था म्यूजिक सुनने वालों का, मुझे कुछ ज्यादा ही शौक हो गया। वो गाने सुन सुन कर हमें तो के एल सैगल बनना। कलकत्ते में पिक्चर बन रही थी, वहाँ गए तो वो कम्प्लीट हो गई। तो चिश्ती बाबा लाहौर वापस चले गए और मैं और रहमान वर्मा साहब, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा करते हैं हम बम्बई कुछ अपने किस्मत आजमाई करें। तो टिकट लिए, ट्रेन में बैठे, आ गए बम्बई। हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से। ये है बातें कहीं अनकहीं। मैं आपके साथ में हूँ आरजे अनमोल और हम सब के सब साथ में है खयाम साहब के। खयाम साहब, आपकी जो जर्नी ने जो टेक ऑफ किया एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत से जबरदस्त हिट गाने हैं। धर्म जी से बात करते हैं तो उनकी पहली फिल्म के अंदर उनको हिट गाना मिला, आप ही के थ्रू मिला। शगुन फिल्म में जो मैंने शुरुआत में बोला था गाना, जिसमें जगजीत जी की आवाज में तुम अपना रंजो गम। लेकिन मुझे लगता है एक और फिल्म और एक और गाना जो बड़ा लैंडमार्क लगता है मुझे, आपका और राज साहब का मिलन होता है और आप और राज साहब, वो सुबह कभी तो आएगी। अरे वो थॉट, वो राज कपूर और खयाम का मिलना उस दौर में जबकि राज कपूर और शंकर जयकिशन की एक हिट जोड़ी थी, और फिर ऐसा एक गाना दे देना कि वो सुबह कभी तो आएगी। देखिए पहले तो ये सब्जेक्ट, ये क्रेडिट सब्जेक्ट का है एंड दिस क्रेडिट गो टू रमेश सहगल जी। अच्छा, ग्रेट डायरेक्टर रमेश सहगल, जिन्होंने पहली फिल्म शहीद बनाई स्टारिंग दिलीप कुमार कामिनी कौशल जी, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। और ये गाना इतना सुपर डुपर हिट हुआ कि लोग बच्चा बच्चा गाता था। आई थिंक आफ्टर दिस शहीद रमेश सहगल ही वॉज द फर्स्ट हाईएस्ट पेड डायरेक्टर इन द फिल्म। रमेश सहगल साहब क्राइम एंड पनिशमेंट, अच्छा, वर्ल्ड क्लासिक, वन ऑफ द वर्ल्ड क्लासिक नॉवल, उस पर बेस करके पिक्चर बना रहे थे। फिर सुबह हो गई और वो साहिर रिजवानी भी के पास तशरीफ लाए के भाई साहिर साहब आप हमारी फिल्म के नगमान के बैन गा रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्राइम एंड पनिशमेंट। वो खुश हो गए, कह रहे वाह क्या बात है। एंड कौन कौन जब नाम नहीं गया, राज कपूर साहब का, अरे राज साहब क्राइम एंड पनिशमेंट, एंड माला सिन्हा जी, रहमान साहब, बारक साहब, तो ये सारी कास्ट। कहने के भाई म्यूजिक कौन दे रहा? तो सहगल साहब ने कहा ऑफ कोर्स शंकर जयकिशन भाई, वो टीम राज कपूर साहब की टीम, शंकर जयकिशन क्या कहने, इतनी कामयाब तरीन टीम शायद ही कम हो। चलेंदर, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन, क्या बात। तो कहने सागर साहब वो तो ठीक है, शंकर जयकिशन जी बहुत कामयाब तरीन, लेकिन आप तो बना रहे क्राइम एंड पनिशमेंट। ठीक है, कहने हाँ, कहते क्राइम एंड पनिशमेंट बनाने के लिए तो ऐसा म्यूजिक चाहिए जो जिसने क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ा हो और समझा हो। आप देखिए दो सेंटेंस हैं ये खत्म, कितने बड़े कह दिए उन्होंने।
पढ़ा हो और समझा हो। पढ़ा पढ़ लेना कोई खास बात नहीं, लेकिन समझना, पढ़कर समझना, ऐसा वो कौन है? ये वो खय्याम। क्या बात है। और इतने में मेरी एंट्री हुई, देखिए बाई चांस। क्या बात कर रहे हैं, साहेब साहब के दौलत कदे पे, बहुत बड़ा कुशादा बंगला उनका, एक ही मंजिल पूरा था। और भाई तेरा जिक्र हो रहा सी खयाम, और साथ एक जुमला सैगल साहब ने कहा कि साहेब साहब एक कह के मैंने तो अब डिसाइड कर लिया कि शंकर जैक्सन। अच्छा, वेल डिसाइड है, क्योंकि राय साहब है और टीम है, लेकिन आपकी एक सजेशन है, वो मेरी बात समझ में आई है कि भाई जिसने पढ़ा हो और समझा हो, ठीक है, वो एक बात है। मैं राज जी से भी बात करूँगा, मगर कहते राज जी को ये कुछ सुनाए, उनको पसंद आए तो ठीक है, ठीक है। और ये पोएम देखिए, एक और मैं सब नौजवानों को बताना चाहता हूँ, एक गजल होती है, गीत होता है, नगमा होता है, भजन होता है, शब्द होता है, तो लेकिन एक नज्म होती है जी, उर्दू शायरी में जिसे कहते हैं नज्म, पोएम जिसे कहते हैं, उसका मीटर अलग होता है। तो वो पोएम साहेब साहब ने लिख दी, और ऐसी लिखी एक किसी भी मौसीकार के लिए, किसी संगीतकार के लिए कुछ मुश्किल ही हो जाए। बिल्कुल। अब मुखड़ा सिर्फ लिख दिया कि वो सुबह कभी तो आएगी, बस इतना है, आगे कुछ नहीं है। और उसके बाद बंद शुरू होता है नज़्म का, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। वाह क्या बात है, अमेजिंग, क्या बात है। और दूसरा सुनने वाला पीड़ा हिंदुस्तान, व्हाट इज गोइंग ऑन, लिखते हैं कि मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों में धूल न भागेगा। आए हाय हाय हाय, मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फाकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा। वाह क्या बात है। हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। वाह क्या बात सर, तब भी सच, आज भी सच, आज भी सच है, ये आज तक है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नज़्म अब राज कपूर साहब का स्टूडियो और रिहर्सल रूम, म्यूजिक रूम हम पहुंचे, मैं अपने म्यूजिशियन सैगल साहब ने उनको लेके आए, तो राज ठीक है, एक अंदाज मुझे अब तक मेरे सामने आ गया, एक इतना अनोखा अंदाज गुफ्तगू का, बातचीत का, क्या कहने, इतनी प्यारी, क्या कहने। अच्छा, ओ, बहुत अच्छी। खयाम जी, ये तानपुरा मुझे लता जी ने दिया था मेरे जन्मदिन पर 2-3 साल पहले, तानपुरा म्यूजिक रूम में पड़ा हुआ था। ठीक है, मैं समझ गया कि इन्होंने क्या कह दिया, कि वो कहते कि तेरा पहला जो सबक है तानपुरे वाला, वो तो बताओ तुमने सीखा कि नहीं, यहाँ आए हो म्यूजिक देने। अच्छा, ये था वो, बताइए। तो तानपुरे निकल आया, उसको साफ सफाई करके उसकी ट्यूनिंग, हाँ जी, उसका जंग निकाल दिया तारों का, चार, सिर्फ चार तारें होती हैं जी तानपुरे की, तो खैर वो मैंने साफ वगैरह अच्छी तरह करके उगा दिया, वो ठीक ठीक। मैंने अपने गुरुओं को याद किया, पंडित जी को, पंडित सुसरलाल भक्तराम जी, पंडित अमरनाथ जी, चिश्ती बाबा, जिनसे मैंने संगीत सीखा, तो उनको याद किया कि बस अल्लाह से दुआ कर दीजिए, ईश्वर से दुआ कर दीजिए कि मैं इम्तहान में पूरा उतरूं। खैर वो तान पूरा मिल गया,
उसके बाद एक तानपुरी में ज्वारी होती है, चारों तारे के थोड़ा थोड़ा धागा नीचे फिक्स कर दिया जाता है। देखिए जब ज्वारी करेक्ट नहीं है तो वो आवाज़ आएगी तन तन तन, जब ज्वारी खुल जाएगी तन आस उसकी वाइब्रेशन वाइब्रेशन जो है तो उसको कहते ज्वारी। तो वो सारा कुछ होता है पूरा ठीक हो गया। अब मैंने कहा जी राज जी को पता नहीं मेरे मन में आया कि मैंने कहा राज जी ये शाम का वक्त है पूरी अधनाश्री आपको सुनाऊं। तो शाम को पौना घंटे राज जी को पूरी अधनाश्री सुनाया जो मैंने अपने गुरु से सीखा, तो बहुत खुश हुए। ठीक है खैर अब जो हमने काम किया था धुन बनाई थी जो तैयारी की वो थी सुबह को भी तो आएगी। अब हम थोड़ी सी चाय का दौर हुआ ठीक है और उसके बाद हमने धुन सुनाई। देखिए धुन सुना रहे हैं राजी बिल्कुल ब्लैंक हो गए। खैर हमने दूसरी धुन मैंने कहा राजी इसकी दूसरी धुन सुनाई अगेन ब्लैंक। मैंने पांच धुनें बना रखी थी पांच धुनें एक ही नज़्म की पांच धुनें। जी हाँ ये सुबह कभी तो आएगी इसी की पांच धुनें थी पांच धुनें। अच्छा क्योंकि मैं ये चांस किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था कि राजी क्योंकि आई न्यू राजी ही इज वेरी वेरी म्यूजिकल। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को मालूम है तो राजी बहुत म्यूजिकल थे म्यूजिकल प्रैक्टिकली वो गा भी लेते थे कुछ बजा भी लेते थे और वो तो उनकी पिक्चरों से ही नज़र आता था कि म्यूजिकल कितने। वो पांच धुनें सुना दी ब्लैंक कोई रिएक्शन नहीं पांच कोई रिएक्शन नहीं है। और सैगल साहब को अपने साथ उठा के अपने कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए। अब हम नाउमीद एकदम ओफो मैं और मेरे म्यूजिशंस के नहीं वो क्योंकि शंकर जैक्सन का एक इनका मिलाप है जो शंकर जैक्सन साहब जो बनाते हैं वही राज जी को पसंद है वो इसलिए हमारा मुश्किल है। ठीक है मतलब नाउमीदी हो गई हमें। ठीक है ठीक है 40 मिनट देखिए ये एक लफ्ज सुनने वाला है कि 40 मिनट वो 40 साल थे हमारे लिए। सीरियसली क्योंकि उस वक्त हमें एक बड़ी पिक्चर की बड़ी बहुत बड़ी पिक्चर की जरूरत थी। मैं पिक्चरें कर रहा था मिल रही थी जी, जी, ऐसा नहीं था काम नहीं था काम था लेकिन एक बड़ी पिक्चर की डायरेक्टर रमेश सहगल साहिल लुधियानवी राज कपूर साहब मौला सिन्हा का क्या बात। 40 मिनट नहीं थी वो 40 बरस थे वो हम भी जो गुजरे। इतने में सहगल साहब तशरीफ लाए वो आकर पता नहीं एकदम उठाया मुझे उठा के मेरा माथा चूमने लगे। क्या बात कहने के चचा ये खयाम साहब ये हैं इस तरह का कुछ म्यूजिक बनाते हैं। अच्छा तो मैंने तो ऐसा म्यूजिक सुना ही नहीं कभी। ओहो इतना अच्छा म्यूजिक मैंने सुना ही नहीं वो ये कह रहे। इतने में राज जी तशरीफ लाया। अब राज जी जो एंट्री थी वो थी राज कपूर साहब जैसे हो तो उनका अंदाज हुआ करता था। अच्छा खयाम जी आपको एक कष्ट देना है। मैंने कहा कि फरमाए राज जी आप विदाउट एनी गैप दिए ये पांच की पांच धुनें सुना सकते हैं। ठीक है तो वो पांच की पांच धुनी बगैर गैप के उनको सुनाई और उन्होंने कहा कि राज जी ने कहा कि खयाम साहब ये पांच की पांच धुनी हम रिकॉर्ड करेंगे। ओ माय गॉड ये इतनी अच्छी हैं कि कोई किसी भी धुन को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये राज जी बहुत चाहने लगे जहाँ बैठते हैं उसकी चर्चा फिर सुबह के म्यूजिक की चर्चा होती। क्या बात तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में धूम मच गई कि फिर सुबह का म्यूजिक और फिर सुबह होगी पिक्चर।
तो ये एक चैप्टर कहें क्या बात है, वो सुबह कभी तो आएगी। और वो एक ऐसा गाना, जब गाना आया जितना राज कपूर ने पसंद किया उतना ही आवाम ने पसंद किया, उतना हम आज तक इसे पसंद करते आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे। उफ उफ उफ। किरदार भारतीय नारी का और ऊपर से सिख जाति, उस जाति की जब नारी होती है, जब वो शरीकी हयात होती है, तो फिर वो ये होती है। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। जगजीत जगजीत कौर जी की आवाज में जो नगमा, आवाज सुपर डुपर हिट, सुपर हिट ये हुआ। और उसमें एक शेर, दूसरा शेर बड़ा अच्छा साहिब साहब ने लिखा जी, मैं देखूं तो सही, आप देखिए तेवर, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है, कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे मुझे दे दे। तो क्या बात है, क्या बात है, साहिर द ग्रेट, क्या तो बात। आप तो ये अपने आप ताल बज गई आपने एक बार बताया था कि जगजीत जी से जो आपकी पहली मुलाकात हुई थी वो दादर स्टेशन के ब्रिज पे क्रॉस करते हुए, इफ आई एम नॉट क्या बिल्कुल सही, आप सही आपने सुना भी, और अगर मुझसे बातचीत हुई है जी, सही बातचीत हुई है, यही यही तब सिर्फ देखा था, बात नहीं हुई थी, सिर्फ देखा था। देखा देखा था। एक जो है वो दादर पुल था ना, वो जो दादर ईस्ट वेस्ट को मिलाता है, जी तो वो चढ़ान से उतरे मैं उतार, शाबाश, तो एक बहुत हसीन लड़की क्रॉस करके ऊपर गई है, देखते रह गए हम, और काफी दूर जाकर मेरे ख्याल में उस लड़की ने देखा कि ये कौन गुस्ताख है जो इस तरह घूर घूर कर मुझे मेरी तरफ देख रहा। तो उन्होंने, मैं तो चुपचाप देखता रहा, और वो भी उन्होंने जस्ट रुकी, रुक कर देखा, ऐ चली गई बस बस, इतना ही। फिर नहीं, बस फिर जब मुलाकात हुई है फिर तो मुलाकात हुई, तो बात हुई, और ये बात किसी से ना कहना, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। देखिए खयाम साहब की जिंदगानी में फिल्में तो बहुत है, हमारी बहुत सी और भी फेवरेट फिल्में शुमार है, जैसे कभी कभी बाजार, बहुत फिल्मों के बारे में चर्चा करेंगे हमारे अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि अभी वक्त हो गया है मेरे अगले सेगमेंट का खयाम साहब, जिसका नाम है मेरी चॉइस। इस सेगमेंट में मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, जी, कुछ टॉपिक्स रहेंगे जिसमें कि आपकी कुछ फेवरेट चीजों के बारे में हम जानना चाहेंगे, और जल्दी जल्दी सवाल करूंगा, आपको जल्दी जल्दी जवाब देने। जी जी ठीक है सर, इजाजत? बिल्कुल ठीक है सर। तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मैं आपको चॉइस देता हूं, फुटपाथ, शगुन, शोला और शबनम, कभी कभी, उमराव जान, रजिया सुल्तान या बाजार? ये सब की सब मेरे मन पसंद, दिल पसंद तस्वीरें हैं, पिक्चरें हैं, जिनका म्यूजिक देकर भी बहुत मजा आया, और कामयाबी भी मेरी। जी एक रेफरेंस मैं दूंगा लता जी का। जी अच्छा, लता जी को एक गाना, वो जावेद अख्तर साहब लता जी से गुफ्तगू फरमा रहे थे, उनका जन्मदिन था, और पर स्क्रीन पर बड़े बड़े स्टार आ रहे थे, अपनी मुबारकबादी दे रहे थे और अपनी अपनी बात कर रहे थे, तो आमिर खान साहब, उन्होंने लता जी से कहा कि लता जी आपने तो हजारों गाने हिट गाए हैं, सही बात है, लेकिन आपको कोई ऐसा गाना कोई याद है कि आपने गाना रिकॉर्ड किया हो और उसके बाद आपको अरसा दराज तक हॉन्ट करता रहो? अच्छा, को उन्होंने थोड़ा सा सोचा, करे हाँ एक गाना है, ए दिले नादा, आहा, फिल्म रजिया सुल्तान, क्या बात।
तो देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया है, इसको थोड़ा सा मैं पलट रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो जाए। अपनी जिम्मेदारी। अच्छा, लता जी तो लता जी की पसंद उनको हॉन्ट करना, राइट, और फिर जावेद अख्तर साहब का एक जवाब देना लता जी को कि लता जी आपने हमारे भी गाने, हमारे भी हिट हैं, यकीनन हिट हैं। कहते कि बाप तो बाप है ना। तो ऐ दिले नज़ा जावेद अख्तर साहब के वालिद साहब का तहरीर फरमाया हुआ है, ये कलाम उनका है। क्या बात है। तो ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को ये बात बहुत पसंद आई, और दुनिया भर से हमें टेलीफोन आए, कहाँ कहाँ से टेलीफोन आए कि साहब लता जी ने आपका गाना उनको हॉन्ट करता रहा, तो ये बहुत बड़ी बात। वाह क्या बात। तो ये आपका बाकी ये सब के सब गाने पिक्चरें बहुत पसंद हैं मुझे। समझ गया। तो ये आपने जो है अपने सवाल को लता जी के थ्रू होते हुए एक तरह से कहीं ना कहीं सुपर, ठीक है। अच्छा, अब आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन है? कमाल अमरोही, यश चोपड़ा, मुजफ्फर अली, रमेश सहगल या फिर इस्माइल श्रॉफ? ये डायरेक्टर ऐसे हैं कि उन्होंने ऐसी ऐसी पिक्चरें बना दी, लैंडमार्क फिल्में हैं, क्या कहने। कमाल अमरोही साहब, रमेश सहगल साहब एंड यश चोपड़ा साहब, जी क्या कहने। देखिए यश जी के साथ एक दो लफ्ज मैं कहना चाहूँगा कि यश जी वो हैं फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर के रोमांटिक सब्जेक्ट जो उन्होंने बनाया है, क्या कहने। वो एक नौयत का अपना एक ही होता था। यश जी के साथ पहली पिक्चर मेरी जो जुबली हुई है जी, तो यश जी के साथ हुई कभी कभी। और ये जुबली का दौर शुरू हुआ तो फिर जुबली दर जुबली 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 जुबली, जुबली होती रही पिक्चरें। और रमेश सहगल का फिर सुबह ही मैं एक थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा जी। लता जी का जिक्र हुआ तो आशा जी का जिक्र भी कर दूँ। बिल्कुल। कि फिर सुबह के गाने आशा जी ने गाए थे, किरण के गाने। गाने की रिहर्सल है वो सुबह कभी तो आएगी। ठीक है। मुकेश भाई, ठीक है। देखिए मुकेश साहब तो सभी कहते हैं, लेकिन ये मुकेश भाई ये वाकई हमारे भाई थे। वाह, ये रिश्ता भाई का उन्होंने भी कायम रखा, मैंने भी कायम रखा, मैंने और जगजीत जी ने भी कायम, उनकी भी, उनके परिवार ने भी कायम रखा, मेरे परिवार ने भी कायम रखा। क्या बात है। एकदम जैसे कहते भाई। खैर, तो मुकेश भाई और लता अपने आशा जी रिहर्सल की उन्होंने, ठीक है, बेसाख्ता। पता है आशा जी कहते हैं श्याम साहब आपकी सुबह हो गई। क्या बात है। यानी अंधेरा जिंदगी से गॉन गॉन विद द विंड। क्या बात है। आहा। तो ये कुछ लोग, कुछ अपने साथी जब दिल से कोई बात कर देते तो अल्लाह मियां सुन लेता। वाह। तो ये भी एक बात मुझे याद आ गई। एंड एक और जो हमारी आपने बाजार जो है, जी जी ऑफ कोर्स, वो अनोखी अपने अंदाज की पिक्चर, इतना गंभीर सब्जेक्ट, और आप उसका म्यूजिक देखिए, करोगे या तो हर बात आ, फिर चिड़ी रात पात फूलोगी। एंड इन्हीं का गाया हुआ देख लो आज हमको जी भर। ये गाने पूरी फिल्म में सजे हुए, और ये गाना जब आता देख लो आज हम कुछ भर के, तो पूरा हॉल, जितनी फीमेल फिल्म देखने आती है तो वो धाएं मार कर रो रही, हाँ हाँ कर रोने की आवाज़ आ रही है। एंड इवन मेल जो मर्द हैं उनके भी आंसू जारी हैं।
बाप रे। तो ये गाना बजता था और हीरो हीरोइन के ऊपर, देख लो आज हमको जी भर के, कोई आता नहीं है फिर मर के, वो इस अंदाज से गाई हैं, इस अंदाज से लिखा गया है, मिर्ज़ा शौक उन्होंने लिखा गया है, और इसको इतना सिंपल वे में पिक्चराइजेशन है, कुछ लंबा चौड़ा इधर कैमल हरा इधर गया, कुछ नहीं, सिंपल टेकिंग, लेकिन इतना असर उसमें। और फिर इसमें शराफ, यस, हजार राहे मरकती थी कहीं से कोई सजा ना आए, क्या पिक्चर बनाई है, और क्या राजेश खन्ना साहब, शिवाना जी, यकीनन ये मनपसंद पिक्चरें आपने निकाली हैं और सब सब हमें पसंद है। ठीक है, अच्छा चलिए अब कुछ आपकी फेवरेट हीरोइन के बारे में बात करते हैं। इनमें से फेवरेट हीरोइन आपकी कौन सी है? मीना कुमारी जी, हेमा मालिनी जी, रेखा जी, स्मिता पाटिल जी, शमाना आजमी जी? अब ये हीरोइन यहाँ पे है आपकी कोई फेवरेट? मुझे लग रहा है कोई ना कोई है। बहुत, सब के सब अपनी जगह पर अपना मकाम बनाए हुए हैं। वाह क्या बात। तो जिसका भी नाम लीजिए वो फेवरेट है, वही आसमां पे हैं। रेखा जी को हम रेखा जी नहीं कहते, उमराव जान। ऑफ कोर्स। देखिए एक तमिलनाडु की लड़की और वो उमराव जान का किरदार कर रही है, मुस्लिम लड़की, क्या निभाया उन्होंने जबरदस्त। और फिर वो बुजरा कैसा क्या किया, गाया क्या कैसा, और अदाकारी क्या कहने, उफ, क्या बात। शबाना जी क्या कहे, बेमिसाल लाजवाब हैं जी, बिल्कुल। एंड फिर मीना जी क्या कह रही हूँ, जब फिल्म फुटपाथ बन रही थी, मीना जी फुटपाथ का म्यूजिक इतना पसंद कि मीना जी कभी कहीं गुम हो जाएं, आप देखिए लफ्ज़ गुम, मीना जी नहीं मिल रहे हैं, और शॉट तैयार हो गया जी, और मेकअप रूम में नहीं, हो कहाँ चली गई, तो ज़िया साहब कहा करें, अरे यार वो खयाम के म्यूजिक रूम में होगी, तो मीना जी मेरे म्यूजिक रूम में है, और किस अंदाज से वो कहती कि हमें वो सुनाइए। अब मीना जी का अंदाज यू कैन वेल इमेजिन किस तरह वो कहती होगी, तो वो इतना हमें, और फिर जगजीत जी की इतनी सहेली थी वो, मीना जी बहुत बहुत चाहती थी जगजीत जी। क्या बात है। तो ये आज के हमारे एपिसोड पे थी खयाम साहब की मेरी चॉइस, हमारा सेगमेंट खत्म होता है, लेकिन आप ऑब्वियसली आप सब खयाम साहब के म्यूजिक के फैंस हैं और सब जानते हैं कि अभी बहुत सी जो फिल्में हैं वो बाकी हैं, मेरे पीछे जो कुछ फिल्म फेयर ट्रॉफीज पड़ी हैं उनके बारे में डिटेल में बात होना बाकी है, उमराव जान है, ये जो ट्रॉफी है, कभी कभी फिल्म की है, इन सब के बारे में बातें होंगी। मैं आरजे अनमोल, खयाम साहब के साथ में फिर हूंगा ऑन बातें कहीं अनकहीं। खयाम साहब मुझे एक बात बताइए कि उस दौर में, उस जमाने में जब अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक के लिए आवाज होती थी किशोर कुमार, आपने उस दौर में अमिताभ बच्चन के लिए आवाज यूज की मुकेश जी की, फिर से एस्टैब्लिश हो गया था कि मुकेश जी मेरे नगमात बहुत अच्छे गा रहे हैं, तो वो एंड ऑफ कोर्स यश, तो अमिताभ बच्चन साहब के मुकेश जी ने गाने गाए, हमने लिया, और उसका रिजल्ट आपने उन्हें सबने सुना है कि क्या कामयाबी मिली है। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। खयाम साहब बता रहे थे कि जब पहली बार आपको देखा था तो दादर का वो ब्रिज जो ईस्ट से वेस्ट को मिलाता है, तब वहां देखा था। जब एक बार कहीं भी मुड़ के देखा जाए इसका मतलब कुछ होता है, तो हम दोनों ने मुड़ के देखा तो शायद हो गया।